क्यों पुराने आदमी थे और जनता पार्टी के गठन के समय से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी में एक बार विधायक रहे। अब इस बार पार्टी ने यह निर्णय किया तो इसलिए उनको हम लोग राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए हैं, इसलिए कि हम लोग झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि झारखंड में हमारे 600 विधायक हुआ करते, तो अभी थोड़ी हमारे संगठन में कमजोरी आई है और हम समझते हैं कि श्री खीरू महतो की उम्मीदवारी के बाद झारखंड में हमारी ताकत बढ़ेगी और आने वाले समय में झारखंड में भी हमारा पार्टी मजबूत होगा। झारखंड के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर महीने झारखंड जाते हैं, इसलिए आप लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में। आपका आपका परसेप्शन है, आप अपना परसेप्शन मेरे माथे पर क्यों थोपते हो? हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ी देखते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं। मणिपुर में हम लोग चुनाव लड़े, सारी पार्टियाँ वहाँ चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, हम 6 सीट जीते वहाँ। चौंकाने वाला फैसला है कि कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं, पार्टी के का फैसला है और कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं। आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता है और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभारी की प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी, केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता है और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के सब के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। भाजपा ने अपने दोनों उम्मीदवार घोषित कर दिए, एक नया चेहरा आया समूह समय दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में नामांकन तो अभी तय होगा सर। बिहार के भारतीय जनता पार्टी से बात करने के बाद सर, इस फैसले के बाद भी पार्टी में एकजुटता बनी रहेगी क्या? इस फैसले के बाद भी पार्टी में एकजुटता बनी रहेगी? हम कह रहे हैं कि हम झारखंड में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, इतनी देर के बाद समझ में नहीं सर, इस फैसले के बाद पार्टी में एकजुटता बनी रहेगी या कोई पार्टी एकजुट है? पार्टी एकजुट है, पार्टी अरे बोलने दो ना यार, अरे बोलने दे सर, बोलिए बोलिए। पार्टी एकजुट है, पार्टी के एक नेता है, उनका नाम है माननीय श्री नीतीश कुमार, पार्टी में सर्वमान्य नेता हुआ है। उसके अलावा हम सब लोग उनके अलावा उनके नेतृत्व में हम सब लोग, चाहे हम हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे श्री आरसीपी सिंह साहब हों, चाहे उमेश कुशवाहा जी, हम सब लोग जो काम करते हैं नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़े, नीतीश कुमार जी मजबूत हों, इसके लिए हम लोग काम ठीक।